हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूमन करी। आज मैं आप सभी के साथ एक और व्रत स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है व्रत वाले पालक के पकौड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और सीखते हैं सिंपल इजी रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले आपको आधा कप के जितना, ये दाल वाली कटोरी से नाप के मैंने आधा कटोरी के जितना व्रत का आटा लिया है। आप कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा या फिर सामक चावल का आटा भी ले सकते हैं। जिसमें एक चौथाई टी स्पून के जितना काली मिर्च का पाउडर, साथ में आधा छोटा चम्मच के जितना साबुत जीरा, एक से दो कटी हुई हरी मिर्च और फ्रेश धनिया पत्ते ऐड करने के बाद आपको सेंधा नमक ऐड कर देना है स्वादानुसार। यहाँ पे पानी आपको अंदाजे से ऐड करना है, जैसे कि हम ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं उसके बैटर की जो कंसिस्टेंसी होती है, बिल्कुल उसी तरीके का हमको इसको टेक्सचर देना है। तो पानी अंदाजे से ऐड करें, थोड़ा थोड़ा ऐड करके। ये देखिए, अभी जैसे बैटर काफ़ी गाढ़ा है, हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे। एक बार में सारा का सारा पानी ऐड ना करें तो आपको अंदाज़ा बराबर मिलेगा। इसका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाते हैं क्योंकि इसमें हमको पालक के पत्ते डिप करने हैं, तो अच्छे से कोट करें, इसलिए नॉर्मल पकौड़े के बैटर से थोड़ा सा गाढ़ा बैटर होता है। अभी भी मुझे थोड़ा सा गाढ़ा ही लग रहा है, मैं थोड़ा पानी और ऐड करूँगी, एक से दो चम्मच के जितना। अच्छे से मिला दें, कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अब मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर लग रही है। इस पॉइंट पे एक चम्मच के जितना ये घी ऐड कर रही हूँ। घी ऐड करने से जो आपके पालक के पकौड़े हैं काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबे टाइम तक क्रिस्पी बने रहेंगे। नहीं तो तलने के बाद जैसे आप तुरंत सर्व करोगे तब तो क्रिस्पी रहेंगे, लेकिन जैसे थोड़ी देर में ठंडे होंगे तुरंत ही वो लचीले हो जाएंगे, मतलब उसमें वो क्रिस्पीनेस नहीं रहेगी, तो वो एकदम कड़क क्रंची बने रहे, इसलिए हमने थोड़ा सा घी ऐड किया है। ये देखिए, कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आप चम्मच को पलटें तो ऊपर पीछे कोट करना चाहिए, आप एक लाइन ड्रॉ करें वो रुकी रहनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 12 से 15 फ्रेश पालक के पत्ते लिए हैं, जिसे अच्छे से साफ़ कर लिया है, धो लिया है। इसमें बड़े आकार के भी हैं, छोटे आकार के भी हैं, तो आप एक बार में जितना कढ़ाई में आए उस हिसाब से डालें। इसे डिप करें अच्छे से, बैटर को थोड़ा सा ऊपर डालें ताकि अच्छे से कोट हो जाए। पालक के पत्ते की मोटी डंठल मैंने हटा दी है, सिर्फ पत्ते पत्ते डालेंगे। जैसे अभी मैंने काफ़ी बड़े साइज़ का पत्ता डाला, तो एक बार में मैंने एक ही डाला है क्योंकि व्रत वाला तेल यूज़ कर रहे हैं, आप घी में भी बना सकते हैं। अगर छोटे आकार के पत्ते हैं तो एक साथ 3 से 4 पकौड़े आप डाल सकते हैं। आप इन पकौड़ों को किसी भी तरीके की चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं व्रत वाली, या फिर आप इनकी चाट भी बना सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैं आगे अपने वीडियो में शेयर करूँगी कि अगर आपको व्रत में पालक के पत्ते की चाट बनानी है वो किस तरीके से बनाएं। पकौड़े बिल्कुल उसी तरीके से बनेंगे जैसे मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है, बाकी आगे का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगा। जब ये एकदम क्रिस्पी हो जाए इसे निकाल लें। मैंने इसी तरीके की और भी बहुत सारी व्रत स्पेशल रेसिपी अपने YouTube चैनल पे पहले से शेयर करके रखी है, अगर आपको वो सारी रेसिपीज देखनी है तो आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा नवरात्रि स्पेशल रेसिपीज़ के नाम से, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके चेक कर सकते हैं। जैसे ये फ्राइड फूड है, अगर आपको थोड़ा हेल्दी में देखना है तो मैंने हेल्दी आइटम भी शेयर किए हैं कि व्रत में अगर आपको काफ़ी हेल्दी खाने का मन है तो आप वो सारी रेसिपीज़ भी जाके चेक कर सकते हैं। बाकी हमारे एकदम सुपर क्रिस्पी पालक के पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। आई होप आप सभी को आज की रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ इसी तरीके की एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड एंजॉय कुकिंग।